आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आईपीएस बनने के लिए कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, क्लास 11, 12 में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, 12 के बाद कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। दोस्तों, इस बात को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूजन रहती है, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है कि अगर उन्हें आईपीएस बनना है तो उन्हें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आयुष और सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आयुष अरीना पे स्वागत है। तो चलिए अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आईपीएस बनना बहुत ही सम्मान की बात होती है, आपके लिए भी और आपके परिवार के लिए भी। लेकिन दोस्तों, आईपीएस बनना इतना आसान भी नहीं है। अगर आपको आईपीएस बनना है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको रात दिन एक करना पड़ेगा, तभी आपका आईपीएस बनने का सपना पूरा हो सकता है। और उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको सारी चीज़ एकदम बिल्कुल सही पता होनी चाहिए, आपको सारी जानकारी होनी चाहिए कि क्या होता है, किस तरीके से एग्ज़ाम आता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सारा कुछ। हालांकि इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने आपको सारा कुछ बिल्कुल डिटेल में बताया है, आप वो वीडियो चाहे तो देख लेना, लेकिन पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। तो अब बात आती है कि आपको क्लास 11, 12 में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। तो देखो, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि जब हम 10th पास करते हैं, 11th में जाते हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमें वहाँ पे स्ट्रीम चुननी पड़ती है। कोई स्टूडेंट आर्ट्स लेता है, तो कोई स्टूडेंट साइंस लेते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स कॉमर्स लेते हैं। तो जिसका जिसमें इंटरेस्ट होता है वो उस सब्जेक्ट को, उस स्ट्रीम को लेता है। और जो भी स्ट्रीम को चुना जाता है उसी से कहीं ना कहीं स्टूडेंट का फ्यूचर डिसाइड होता है। इसलिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप 11th क्लास में कोई भी स्ट्रीम चुनने से पहले आपको अच्छे तरीके से सोच लेना चाहिए कि आपको आगे जाके क्या करना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट बिना सोचे समझे कोई भी स्ट्रीम ले लेते हैं और उसके बाद उन्हें लगता है कि नहीं, ये स्ट्रीम उनके लिए नहीं है, उन्हें कोई और स्ट्रीम लेनी चाहिए। तो दोस्तों, इस तरीके की जो प्रॉब्लम होती है, इससे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो भी बनना चाहते हैं आगे फ्यूचर में, उसको ध्यान में रखते हुए आपको स्ट्रीम चुननी चाहिए। अब बात आती है आईपीएस की, कि आईपीएस बनने के लिए कौन सा स्ट्रीम चुनना चाहिए, क्या आर्ट्स स्ट्रीम चुनना चाहिए, साइंस स्ट्रीम चुननी चाहिए या फिर कॉमर्स स्ट्रीम चुननी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्लास 11, 12 में हैं या फिर आप जाने वाले हैं, तो अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम लेते हैं या फिर अगर आप साइंस स्ट्रीम लेते हैं या फिर अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम लेते हैं, आप तीनों स्ट्रीम से आईपीएस बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको अपनी स्ट्रीम के लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, चाहे कॉमर्स के स्टूडेंट हो, चाहे साइंस के स्टूडेंट हो, आप किसी भी स्ट्रीम से पढ़ाई किए आप आईपीएस बन सकते हैं। बस ज़रूरत है आपको अच्छी तरीके से मेहनत करने की, आईपीएस का जो एग्ज़ाम होता है उसकी तैयारी करने की, ताकि आपका आईपीएस बनने का सपना पूरा हो सके। हमने जान लिया कि क्लास 11, क्लास 12 में आपको कौन सा स्ट्रीम या फिर कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। आपको तो पता ही कि क्लास 11th में आप जो भी स्ट्रीम या फिर जो भी सब्जेक्ट लोगे वही आपको क्लास 12th में पढ़ना पड़ता है। इसीलिए कोई भी सब्जेक्ट लेने से पहले आपको अच्छी तरीके से सोच लेना चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि क्लास 12th के बाद यानी कि ग्रेजुएशन में आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए अगर आपको आईपीएस बनना है। तो उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि अगर आप आईपीएस बनना चाहते हो तो आपको अभी से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, चाहे आप 10th में हो, 11th में हो या फिर 12th ग्रेजुएशन करो, कुछ भी अगर आप कर रहे हो तो। लेकिन अगर आपको आईपीएस बनना है तो आप अभी से अगर तैयारी शुरू कर दोगे तो हो सकता है कि आपका पहली बार में ही, दूसरे बार में ही सिलेक्शन हो जाए। तो बताओ, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। इसीलिए दोस्तों, आप तैयारी कैसे शुरू कर सकते हो, आप अपने करेंट अफेयर्स अच्छे कर सकते हो, अपने जीके इम्प्रूव कर सकते हो, इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हो। इस तरीके से आप अपनी तैयारी शुरू करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो अब हम जान लेते हैं कि ग्रेजुएशन में आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए अगर आप आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ग्रेजुएशन में कोई भी स्ट्रीम से, कोई भी सब्जेक्ट से पढ़ाई करके आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि आपको आर्ट्स से लेना है, आपको साइंस से लेना है, आपको कॉमर्स से लेना है, इस तरीके की कोई भी बाउंडेशन नहीं। आपका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है आप उस सब्जेक्ट को पढ़ के, अच्छे तरीके से पढ़ के अपना आईपीएस ऑफिसर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अब आपके मन में जो भी डाउट्स थे कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, ये सारे डाउट्स आपके दूर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे बहुत सारी वीडियो जो वो वीडियो जाके देखिए, और आईपीएस ऑफिसर के वीडियो डिटेल में वीडियो बनाई है तो उसका लिंक आपको दे दूंगा, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।